प्लेयर्स की हो, चाहे इस भीड़ जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस टीम की है, प्लेयर्स हो, सॉन्ग हो, थीम हो, कॉस्ट्यूम हो, एवरीथिंग हम लोगों ने छोटी सी छोटी चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। इस बार हम कुछ और भी एक नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट होगा अहमदाबाद एक्सप्रेस का। एक्चुअली हम लोग तैयार से, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं हमारे मैच के लिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रही है। सब एक्टर्स यू नो शूट के बाद थक जाते हैं, फिर भी वो लोग शूट के बाद हम लोग सब प्रैक्टिस करने जाते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग और मे बाकी जो टीम खेल रही है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। इनफैक्ट बॉलिंग कर के कहीं की कमर में ऐसा दर्द हो जाता है ना, तो सब ऐसे हाई कर देते हैं। शूट्स पे भी बहुत मतलब सब ऐसे थके हुए रहते हैं, पर सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रेशर से ज़्यादा मुझे लगता है हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे इस बार और कोशिश करेंगे कि हम फाइनल तक इंशाल्लाह पहुँचे और फाइनल जीते इंशाल्लाह। सारे नए प्लेयर्स हैं, जो पुराने हैं सब चले गए, और मैं हूँ, आई थिंक जस्सी है और एक आरती है जो मुझे दिखी है। हम तीन ही हैं जो पुराने हैं, बाकी सब नए चेहरे हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, वो जो मेन बॉसेस हैं उन्हें बेस्ट पता होगा और वो राइट पर्सन होंगे आपको बोलने के लिए। मैं नहीं कह सकता कुछ इसके बारे में। अच्छा, लास्ट टाइम जो सेमीफाइनल में आई थी अहमदाबाद जी, जी, तो इस बार फाइनल मारने की क्या कुछ तैयारी है? तैयारी हम श्योर की होगी, स्ट्रैटेजी सबकी होती है जैसे आप पूछ रहे थे, और टचवुड इस बार जरूर फाइनल्स में आएंगे, फाइनल जीतेंगे। सॉरी, आने से पहले हम लोग मूंछों की डिस्कशन कर रहे थे, इट्स अ नाइस लुक। हां सॉरी, सबसे पहले तो इस बार की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो इस बार कुछ प्रेशर है? आपको किस एंगल से लग रहा है कि मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? हम लास्ट टाइम सेमीफाइनल, ये है वो इंसान जिनसे आप इनसे पूछो, आई एम जस्ट देयर टू मेक द थिंग लुक प्रीटी। तैयारियां तो हमने पिछली बार भी नहीं ज़्यादा बोली थी, करके दिखाया था, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन वर्ड्स, वी बिलीव इन एक्शंस। सो इस बार भी जो करना है वो करके दिखाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं उस बारे में। तैयारी अच्छी चल रही है, आई थिंक द टीम दिस ईयर लुक्स इवन स्ट्रॉन्गर देन लास्ट ईयर, और प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है टीम की, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार पहले से बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी टीम के साथ दोबारा खेलने के लिए, बिकॉज इज़ द सेकेंड टाइम मैंने अपनी टीम चेंज नहीं की है, बिकॉज आई थिंक जो पॉजिटिविटी है, जो बॉन्डिंग है हमारी टीम में, वो बहुत ही अच्छी है। नंदिश और मृणाल जो हर किसी को एक बना के रखते हैं, सो मैंने दूसरी टीम ट्राई भी नहीं की है, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो। और वो खुद एक यू नो दे बीन द एक्टर्स, तो उनको एक्टर का क्या है, एज एन एक्टर दे अप्रिशिएट एंड सब बहुत प्यार से रखते हैं, दे वेरी काम एंड स्वीट ओनर्स आई कैन से। एक्चुअली द बिगिनिंग डे फॉर द प्रमोशन वंस आई वेंट फॉर दिस बास्केटबॉल लीग समवेयर, आई थिंक after that I don't know much about this, but they told it's Ahmedabad Express and friends are bought for yes me. Last year I know you'd come with Sonakshi for the opening. So congratulations for you and mujhe to zaruri nahi, main sirf stage pe khelta hu, field pe nahi, aur yahi kahunga ki main yahan pe support karne aaya hu, main zyada kuch janta nahi hu ki team में कौन कौन है, लेकिन आज पहली बार मैं उनकी उनसे मुलाकात होगी, और मैं भी ये भी सच कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी, मुझे कुछ पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट माय फ्रेंड्स, वो इस टीम को ओन करते हैं, और उन्होंने कहा कि क्या आप सपोर्ट करोगे, ऑफकोर्स आई सेड व्हाई नॉट, यू नो दोस्ती के नाम पे यू नो कुछ भी हो सकता है, सो आई जस्ट सेड ओके आई एम कमिंग हियर टू काइंड ऑफ यू नो